गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल रन मैथमेटिक्स क्लास सेकंड, टॉपिक नंबर फर्स्ट। टॉपिक नेम इज़ रिवीजन। रिवीजन के अंदर हम देखेंगे जो हमने अब तक फर्स्ट क्लास में जो जो पढ़ा है उसका एक बार मेन रिवीजन करते हैं। तो क्वेश्चन है कुछ इसके अंदर देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एडिशन के ऊपर है, एडिशन का मतलब जोड़, हमें सम करना इनका। तो यहाँ बच्चों ध्यान से देखना आप क्या है इसके अंदर, क्या गिवन है वो पढ़ते हैं एक बार। सर पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, काउंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। काउंट मीन्स गिनना, फिल मीन्स भरना, इन द ब्लैंक्स मीन्स जो खाली स्थान है इसके अंदर भरना ही में। पहले काउंट करना है, काउंट इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4। तो कितने हमारे पास है यहाँ पर, 4। तो यहाँ पर लिखना हमें 4, क्या लिखना है इस राउंड के अंदर, 4। प्लस करना है अब इसमें, फिर नेक्स्ट हमें काउंट करना है 1 2 3। ये 3 बाल्स हैं, तो यहाँ पर आप 3 राइट कर लो नीचे इस राउंड में 3। अब दोनों को प्लस करना हमें, अगर दोनों को प्लस करेंगे यानी 4 प्लस 3, तो यहाँ पर टोटल काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल काउंट करने बाद कितने आ चुके हमारे पास, 7। एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, इसको यहाँ से काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप यहाँ पर 7 लिख सकते हो, आप यहाँ पर क्या लिखते हो, 7 लिख सकते हो। आ गया बच्चों समझ में। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन है ये भी। इसके अंदर पैरेट हैं कितने, 2। तो आप यहाँ पर 1 2 2 का राइट कर लो यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर 3 पैरेट है, 1 2 3 3 राइट कर लो, इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करना बच्चों। अब यहाँ काउंट करो पहले, 1 2 3 4 5, कितने पैरेट है, 5। आप यहाँ पर 5 लिख दो, ओके। दूसरा तरीका ये है, आप यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5, आप डायरेक्ट यहाँ पर 5 लिख सकते हो। इसी प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। आगे बच्चों सब क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ऐड द फॉलोइंग वर्टिकली। वर्टिकली होता है लंबवत, हमें ऐसे जोड़ना है इनको इस प्रकार से, लंबा खड़ी टाइप में। वर्टिकल कहता है बिल्कुल खड़ा, तो लंबवत बोलते हैं इसको। ऐड करेंगे 2 प्लस 5, तो आप 2 को 5 में ऐड करना है। तो मैंने आप सबको बताया था, इनमें जो सबसे छोटा आता उतनी फिंगर करेंगे, सब छोटा, दोनों में छोटा कौन सा है, 2। तो आप 2 फिंगर करो 5 के बाद, बोलो 2 फिंगर करेंगे, करो सारे बच्चे 2 फिंगर करो, और 5 के बाद बोलेंगे, 5 के बाद 6 7, 2 फिंगर बोलने हमें 5 के बाद 6 और 7। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 7। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर 4 और 1 को ऐड करना हमें, तो 4 और 1, तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 1 है, क्या है इसमें, 1 है। तो 1 फिंगर करो और 5 के बाद बोलना है, सॉरी 4 के बाद 1 फिंगर करेंगे, 4 के बाद बोलेंगे, 4 के बाद 1 फिंगर, 5। तो यहाँ पर आ चुका हमारा आंसर है 5, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा 6 और 2 ऐड करना हमें, तो सबसे छोटा दोनों में 6 और 2 में क्या, 2 है, 2 फिंगर करो, 6 के बाद बोलो, 6 के बाद 7 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा, 8। नेक्स्ट देखते हैं 5 और 2, तो अब हमें क्या करना है, 2 छोटा इन दोनों में से, तो 2 फिंगर करेंगे, 5 के बाद बोलो, 5 के बाद 6 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, ओके बच्चों। आगे सबको सुनिए, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, अगला क्वेश्चन हमें ऐड करना है, ध्यान से देखो बच्चों, ऐड द फॉलोइंग हॉरिजॉन्टली। अब हॉरिजॉन्टली क्या होता है, बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन में, एक लाइनिंग में जोड़ना में, ऐसे वो था कॉलम के हिसाब से, क्या है लाइन के हिसाब से जोड़ना में, ओके। तो 3 प्लस 3 करना में, 3 प्लस 3, तो जब मैंने सेम हो तो मैंने बताया था यहाँ पर 3 की टेबल 2 जा तक बोल दो, 3 2 जा 6, क्या बोलते हैं यहाँ पर, 3 2 जा 6। अब 3 2 जा 6 हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 3 2 जा 6, ठीक है। या 3 फिंगर करो, 3 के बाद बोलो 4 5 6, ओके ठीक है। नेक्स्ट अब 5 प्लस 1 करना है, तो 5 दोनों में छोटा है, 1 फिंगर करो, 5 के बाद बोलो, 5 के बाद 1 फिंगर करेंगे तो 6, यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 6, इनका आंसर आ चुका है 6। अब आगे है 6 प्लस 3, दोनों में छोटा है 3, तो आप 3 फिंगर करो और 6 के बाद बोलो, 6 के बाद 7 8 9,
तो 6 + 3 = कितना आ चुका है 9। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाइन। बच्चों सबको आ गया क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एड द फॉलोइंग, ये फॉलोइंग इस नीचे वाले हमें जोड़ने हैं, जो नीचे काउंट गिवन है उनको हमें जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान देखना बच्चों, 4 + 2 + 1 यानी 3 नंबर्स हैं, इनको हमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, इसमें 4 के बाद ऊपर जो बड़ा है या ऊपर वाले के बाद, बोलो 4 के बाद 2 फिंगर करो, 4 के बाद 2 फिंगर करेंगे तो 4 के बाद 2 फिंगर करेंगे, देखो 2 फिंगर करी 4 के बाद, ये हमने तो 4 के बाद बोलो 5 6, ओके। एक और है, एक फिंगर करो, अब एक और करो 6 के बाद 1 7, तो टोटल कितना होगा हमारे पास, यहाँ पर 7 हो चुका है बच्चों, ओके ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये 5 3 1, तो सबसे पहले आपका करना है बट ऊपर वाला छोड़ दो और नीचे वाले कितने हैं, 3 फिंगर करो 1 2 3, और 5 के बाद बोलो, 5 के बाद 6 7 8, एक और बचा, एक बार फिंगर और कर लो 8 के बाद 1 फिंगर करो तो 8 के बाद बोलोगे 9, यहाँ पर क्या आ चुका 9। एक तरीका तो बच्चों ये है, दूसरा तरीका क्या है, हम सीधा भी बोल सकते हैं, इसमें सीधा कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, आप ऊपर वाले को छोड़ के नीचे जितनी है उतनी एक साथ फिंगर कर लो, यानी 3 और 1 4 फिंगर कर लो, 4 फिंगर करने के बाद जैसे 1 2 3 4 4 फिंगर कर लिया हमने, अब क्या करेंगे हम 5 के बाद बोलेंगे, ये 5 है यहाँ पर, इसके बाद बोलो 5 के बाद 6 7 8 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, इस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट करेंगे ऐसे ही, देखना ध्यान से, अगला है, सबसे पहले क्या करेंगे हम 3 फिंगर करेंगे 1 2 3, ऊपर वाला छोड़ दिया, फिर करेंगे 4 1 2 3 4, कर ली टोटल, यानी 3 और 4 फिंगर हो चुके हमारे पास 7। अब ऊपर वाला क्या है, 2 के बाद बोलना है, तो 2 इस 2 के बाद बोलना है, 2 के बाद बोलो 3 4 5 6 7 8 9, तो बच्चों यहाँ पर आ चुका हमारा कितना 9, क्या आ गया 9, ओके। आई थिंक सबको अच्छे समझ में आया होगा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, एड द फॉलोइंग, हमें नीचे वाले जोड़ने 2 डिजिट में, पीछे वाले थे 1 डिजिट के, अब यह 2 डिजिट में, 2 डिजिट मतलब होता है 1 और 2, ये 2 नंबर हैं, इनको 2 डिजिट बोला जाता है, नंबर विदाउट कैरी, विदाउट कैरी के हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे इनको। अब करना हमें 2 में 1 ऐड करना है, तो 2 के बाद 1 फिंगर करेंगे, तो 2 में 1 ऐड करें, 2 के बाद 1 बोल दो, 2 के बाद 1 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ओके। अब 3 में 2 ऐड करना है, तो आप फिर 3 के बाद 2 बोलो, 3 के बाद 2, तो 3 के बाद 2 बोलेंगे तो 3 के बाद 2 फिंगर करो, 2 फिंगर करेंगे, 3 के बाद 2 फिंगर करो, यानी पहले 2 फिंगर करो फिर 3 के बाद बोलो, 3 के बाद 4 5, यहाँ पर आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। आगे इसमें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में ऊपर है 7 और नीचे है 2, ऊपर कितना है 7, नीचे है 2, अब 7 के बाद 2 फिंगर करो, 2 फिंगर करेंगे, ये हमने 2 फिंगर कर ली, अब किसके बाद बोलना हमें 7 के बाद 8 9, 7 के बाद क्यों बोले, ऊपर 7 था, यहाँ पर हो गया 8 9, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा। आगे इसमें अब आगे इसी प्रकार 8 के बाद 1 फिंगर करो, और 8 के बाद 1 बोलो, 8 के बाद 1 बोलेंगे तो 8 के बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा 9, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 9 आ चुका है, कितना आ चुका है 9। आगे इसमें ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो हमारे पास है 4 और 3, तो 3 फिंगर करो, 4 के बाद बोलेंगे, 4 के बाद 5 6 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। इसी प्रकार से 5 + 2, तो फिर 2 फिंगर करेंगे, जे वाले हैं 2 ये फिंगर करो, ऊपर वाले 5 के बाद बोलना है, ठीक है, तो 2 फिंगर करो, 5 के बाद बोलो 6 7, यहाँ पर भी क्या आ चुका 7 आ चुका है। आगे बच्चों समझे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 6 + 3, तो आप 3 फिंगर करो, करो 3 फिंगर और 6 के बाद बोलो, 6 के बाद बोलेंगे 3 फिंगर करके 7 8 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे, यहाँ पर आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा 9। इसी प्रकार से ये देखो ऊपर 7 नीचे 1 है, तो 7 के बाद 1 फिंगर करेंगे, तो 1 फिंगर करेंगे 7 के बाद 1 बोलेंगे क्या आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 8, पीछे आ गया था 9,
बस ये इसका आंसर है। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये है एड द फॉलोइंग टू डिजिट नंबर विद कैरी, आपकी बार कैरी के साथ हमें ऐड करना है, किस साथ ऐड करना है, कैरी के साथ। अब देखते हैं नाइन के बाद वन फिंगर करेंगे, नाइन के बाद वन फिंगर करेंगे, तो नाइन के बाद वन फिंगर करो और बोलो नाइन के बाद टेन, टेन की क्या जाएगी जीरो और वन कैरी, वन क्या जाएगी कैरी। देखो बच्चों ऐसे हम टेन लिखते हैं तो पीछे वाला तो यहाँ आता है और ये आगे वाली क्या जाती है कैरी जाती है, आगे वाली क्या जाती है कैरी जाती है। ओके तो टेन की जीरो वन कैरी। अब हमें क्या करना है सिक्स में टू और वन कैरी ऐड करनी है, तो पहले क्या करेंगे सिक्स के बड़ा नंबर सिक्स है तो आप सिक्स के बाद टू फिंगर करो और वन कैरी के नाम कर लो, सिक्स के बाद टू फिंगर कर, पहले नीचे वाली टू फिंगर करेंगे और वन फिंगर कैरी नाम की, टू और वन कितनी होगी थ्री फिंगर होगी। अब सिक्स के बाद बोलेंगे सिक्स के बाद सेवन एट नाइन, तो यहाँ पर भी क्या आ गया हमारा नाइन आ गया। ओके बच्चों तो टोटल हो गया हमारे पास 90, कितना हो चुका है 90। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 7 + 4, तो बड़ा कौन सा है 7, छोटा कौन सा 4। तो आपको जो भी ये क्वेश्चन आते हैं इनमें छोटे जो नंबर होते हैं उतनी फिंगर करनी होती हैं। ओके तो सर छोटा कौन सा इनमें 4 है, 4 फिंगर कर लो 7 और 4 में से, देखो यहाँ से ये 7 है ये 4 है, तो 4 छोटा है ना तो आप 4 फिंगर करो, 4 फिंगर करोगे जैसे 1 2 3 4 और किसके बाद बोलना हमें 7 के बाद, 7 के बाद बोलो 8 9 10 11, तो 11 क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 और कैरी कितनी 1। अब ऊपर 4 है नीचे 3 है तो आप 3 फिंगर करो 1 2 3, ये 3 फिंगर इस नाम कर ली और 1 फिंगर इसे कैरी नाम की, ये 1 फिंगर वो कर ली। अब किसके बाद बोलना है इस 4 के बाद, क्योंकि बड़ा हमारा 4 था, 4 के बाद बोलो 5 6 7 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। आ गया बच्चों समझ में, ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या क्वेश्चन है 4 + 8, अब आप 8 के बाद 4 बोलो, 8 के बाद 4 फिंगर करो, 4 फिंगर करेंगे 8 के बाद 1 2 3 4, 4 फिंगर कर ली। अब आप 8 के बाद बोल दो, 8 के बाद 9 10 11 12, तो 12 क्या होता है 12 ऐसे लिख दम, तो 12 का 2 यहाँ आएगा 1 आएगी कैरी, तो 12 का 2 1 क्या आ जाएगी कैरी। अब ध्यान से देखो बच्चों 7 में 1 ऐड करना है, तो बड़ा कौन सा है 7, छोटा कौन सा है 1, तो जो छोटा हो तो उतनी फिंगर करेंगे, छोटा हमारे पास क्या 1, ये 1 हो गया ठीक है, और 1 फिंगर किस नाम की कैरी नाम की, 1 फिंगर हमने कैरी नाम कर ली। अब 7 के बाद बोल दो, 7 के बाद क्या होता है 8 9, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। आगे बच्चों सुन लें, ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार से है 6 में 8 प्लस करना, में 6 में 8 प्लस करना, ये रहा 6 और ये रहा हमारे नीचे 8, इसको प्लस करना में 6 में 8, तो पहले क्या करेंगे हम 6 फिंगर करेंगे, कितने फिंगर करेंगे 6, तो 6 फिंगर करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 फिंगर होगी, किसके बाद बोलना हमें छोटा कौन सा था, जो छोटा हो तो नहीं फिंगर करेंगे बड़े वाले के बाद बोलेंगे, बड़ा तो इसमें 8 है 6 8 में से, तो 8 के बाद बोल दो 9 10 11 12 13 14, अब 14 का क्या आ जाएगा 4, 14 का क्या आएगा 4 और 1 कैरी आ जाएगी इसमें। अब दोनों में 5 और 3 में छोटा कौन सा है 3, 3 फिंगर करेंगे, कितने फिंगर करेंगे 3, 1 2 3 और 1 फिंगर किस नाम की कैरी नाम की, ये होगी। अब काउंट कर लो किसके बाद, बड़ा नंबर कौन सा इसमें 5 5 के बाद काउंट करो 6 7 8 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ओके बच्चों ये थे कैरी के सम टू डिजिट के, सबको आगे समझ में, ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं हम सबट्रैक्ट द फॉलोइंग हॉरिजॉन्टली, यानी कॉलम के हिसाब से हम इनको ऐसे लाइन में इनको घटाना, सबट्रैक्ट मीन्स होता है माइनस करना घटाना। ओके बच्चों अब 9 में से 5 माइनस करना है, 9 में से 5 को माइनस करना है, बड़ा या सांत्रिक का बच्चों ध्यान से देखना, अब ये हमें 5 को माइनस करना है, 5 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से इसे 9 में से, तो आप एक काम करो इस 5 के बाद काउंटिंग बोलो 9 तक, 5 के बाद क्या बोलनी है काउंटिंग कहाँ तक 9 तक, तो 5 के बाद बोलेंगे 9 तक, तो 5 के बाद 6 7 8 9, 9 आते ही रुक जाना बच्चों, 5 के बाद कहाँ तक बोलें काउंटिंग 9 तक, तो 5 के बाद 6 7 8 9, ओके अब क्या करना हमें इनको काउंट करना बस 1
टू थ्री फोर, कितने आ गए फोर, आप यहाँ पर लिख दो फोर। आ गया बच्चों समझे, ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिक्स में से फोर माइनस करना, सिक्स में से फोर को माइनस करना हमें। अब फोर के बाद, फोर के बाद क्या करना हमें, फोर के बाद सिक्स तक बोलना है, फोर के बाद सिक्स तक बोलना है क्योंकि हमें ये माइनस करना है, तो इसके बाद कहाँ तक बोलना है सिक्स तक। तो बच्चों फोर के बाद बोलते हैं कहाँ तक है सिक्स तक, तो फोर के बाद फाइव सिक्स। अब इनको काउंट कर लो कितने हो गए, ये वन टू, टू हो गए, अब यहाँ पर टू लिख दो बस, आ गया इसका भी आंसर। ओके नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एट में से माइनस करना है वन, एट में से कितना माइनस करना है वन, तो वन के बाद काउंटिंग बोलेंगे एट तक, वन के बाद काउंटिंग कहाँ तक बोलेंगे एट तक। ठीक है बच्चों बोलते हैं वन के बाद, तो वन के बाद बोलेंगे एट तक, तो वन के बाद एट तक, वन के बाद टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, क्योंकि यहाँ एट था तो हमें एट तक की काउंटिंग बोलनी है। बस अभी गिन लो कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितने हो गए सेवन, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बच्चों सेवन, कितना आ जाएगा सेवन। आ गया बच्चों सब क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, फाइव माइनस टू, तो हमें टू के बाद बोलना है फाइव तक, टू के बाद काउंटिंग बोलनी है फाइव तक, तो टू के बाद बोलते हैं, टू के बाद बोलेंगे बच्चों ध्यान से देखना, टू के बाद फाइव, टू के बाद थ्री फोर फाइव, टू के बाद फाइव, टू के बाद थ्री फोर फाइव, तो अब काउंट कर लो इसको वन टू थ्री, तो कितना बच गया यहाँ पर थ्री, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों थ्री। आगे सब क्वेश्चन में ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग टू डिजिट नंबर विदाउट बोरोइंग, यानी बिना कैरी के हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, बिना कैरी के क्या करना हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। बिना कैरी कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है सेम बुक प्रोवाइज जैसा, ये भी चलो करते हैं। अब हमें सिक्स में से फोर माइनस करना है, तो बच्चों फिर वही है फोर के बाद बोलो सिक्स तक, तो फोर के बाद बोलेंगे सिक्स तक, फोर के बाद फाइव सिक्स, कितने बच गए वन टू, आप यहाँ पर टू लिख दो। इस पर नाइन में से फाइव माइनस करना है, इस नाइन में से फाइव को माइनस करना है, तो फाइव के बाद बोलेंगे कहाँ तक है नाइन तक, तो फाइव के बाद बोलो नाइन तक, फाइव के बाद सिक्स सेवन एट नाइन, फाइव के बाद कहाँ तक बोलना था नाइन तक, सिक्स सेवन एट नाइन। अब इनको काउंट कर लो वन टू थ्री फोर, कितने बच गए फोर, तो यहाँ पर लिख दो फोर, ये बच्चों आ गया इसका आंसर। इसी प्रकार से आगे वाले सारे करेंगे, आई थिंक आराम से कर लोगे सारे बच्चे। ठीक है एक लास्ट और करते हैं, इस प्रकार से एट में से फाइव माइनस करना है, तो फाइव के बाद आप ना एट तक काउंटिंग बोलो, फाइव के बाद एट तक काउंटिंग बोलें, फाइव के बाद बोलेंगे इस फाइव के बाद कहाँ तक बोलना है इसे एट तक, फाइव के बाद कहाँ तक बोलना है एट तक, तो फाइव के बाद सिक्स सेवन एट, अब काउंट कर लो वन टू थ्री, तो यहाँ कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा। इसी प्रकार से टू में से वन माइनस करने तो क्या बच जाएगा वन बच जाएगा। आगे बच्चों समझे, ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग टू डिजिट नंबर विदाउट बोरोइंग, अब ये है हमें बोरोइंग करना है यहाँ से, ये विद बोरोइंग आ गया अपने मिस्टेक है, हमें कैरी के साथ माइनस करना है, कैसे करना है कैरी के साथ। अब बच्चों मैंने आपको पहले भी सिखाया था, जब हम माइनस करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऊपर वाला नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला नंबर क्या होना चाहिए बड़ा, लेकिन यहाँ ध्यान से देखो ऊपर वाला जो ये नंबर है ये फोर है, ये छोटा है किससे एट से, इस एट से छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ऊपर वाला नंबर छोटा हो तो कैरी लेनी पड़ेगी, क्या लेनी पड़ेगी कैरी लेनी पड़ेगी, तो कैरी लेने फोर किसके पास जाएगा सिक्स के पास जाएगा, सिक्स इसको वन कैरी दे देगा, बिल्कुल देगा है इसके पास, तो ये सिक्स वन दे देगा, तो ये फोर कैरी अपने कहाँ लगा लेगा आगे, बिल्कुल आगे लगा लेगा, तो वन और फोर कितने बन गए फोर्टीन, कितने बन गए फोर्टीन, और सिक्स ने एक इसको दे दिया, अब सिक्स के पास कितने बच गए फाइव बच गए, अब ऊपर देखो फोर्टीन बड़ा होगा ना, अब माइनस कर देंगे, यानी एट के बाद कहाँ तक बोलना है फोर्टीन तक बोलना है, तो बोलो एट के बाद नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, फोर्टीन तक बोलना था बच्चों, यहाँ पर फोर्टीन हो रहा है, अब काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितना बच गया सिक्स, अब यहाँ पर सिक्स लिख दो, नीचे इसका आंसर आ गया।
ओके। अब आगे कितना है, फाइव, और नीचे कितना है, थ्री। ये तो सिंपल घटा देंगे, थ्री के बाद बोल दो फाइव तक, तो थ्री के बाद फोर फाइव कितना आ गया, वन टू, यहाँ पर टू लिख दो बस। आ गया बच्चों से वो सुनने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ये लास्ट वाला करते हैं बच्चों, 92 में से माइनस करना है 56। तो ध्यान से देखो, ऊपर वाला जो 2 है ये छोटा है किससे, 6 से, यानी 6 यहाँ पर बिगर है और 2 क्या है, स्मॉलर है। लेकिन ऊपर क्या होना चाहिए, बिगेस्ट होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ऊपर नंबर क्या होना चाहिए, बिग होना चाहिए, इससे ग्रेटर देन होना चाहिए ऊपर, ठीक है। अब तो छोटा है तो क्या करेगा, इसके पास करी लेने जाएगा, 2 किसके पास करी लेने जाएगा, 9 के पास, तो 9 के पास 2 करी लेने जाएगा, तो 9 इसको 1 दे देगा, तो 9 के पास कितने रह गए, 8, कितने रह गए, 8, ओके। 9 के पास कितने रह गए बच्चों, 8, कितने बच गए, 8। अब ये 1 का 2 अपने आगे लगा लेगा, तो यहाँ पर 1 और 2 कितने हो गया, 12। अब 6 के बाद बोलना, 12 तक, 6 के बाद बोलो 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब काउंट कर लो इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर नीचे क्या लिख देंगे, 6। आगे सुनिए, अब आगे 8 बचा हुआ है, नीचे 5 है, तो आप 5 के बाद 8 तक बोल दो, इस 5 के बाद 8 तक, तो 5 के बाद 8 तक बोलो 6, 7, 8। अब इन्हें काउंट कर लो, 1, 2, 3, यहाँ पर आ जाएगा 3। अच्छे से आ गया बच्चों सुन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आ गया हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। जो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई यानी कि गुना, जो हम प्रोडक्ट करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, वही है, बिल्कुल सिंपल है, जिसको ये टेबल अच्छे से आती है वो आराम से कर जाएगा, बहुत ईजी है बच्चों से तो, और आई थिंक सबको आती है, रिविजन है, हम पहले कर चुके हैं सारी चीज़ें, ठीक है। देखते हैं, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, 6 2 जा बोलना, हमें क्या बोलना है, टेबल बोलनी है, 6 2 जा 12, यहाँ पर आ जाएगा 12, 3 4 जा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 12, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। अब जिसको आराम से आते डायरेक्ट नहीं बोल पाता, वो आप 1 by 1 कर लो, यानी 3 की टेबल 6 जा तक बोलो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो 6 जा तक बोलनी थी हमें, तो 3 6 जा 18, ओके बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार से, नेक्स्ट है हमारे पास 2 7 जा 14, 8 4 जा 32, और 3 9 जा, 3 की टेबल 9 जा तक, जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, तो यहाँ आ जाएगा 27। लास्ट देखते हैं बच्चों, 3 5 जा 15, 3 5 जा क्या आएगा, 15 आएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है, ओके, ठीक है। ये थे 1 digit की मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आगे, ठीक है बच्चों, जो आपका फर्स्ट टॉपिक था मैथ का रिवीजन, उसमें इतने ही थे क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करवा दिए। जो सेकंड लेसन है, सेकंड जो टॉपिक है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सभी बच्चे घर बैठ के आराम से काम करें, घर रहें, घर से बाहर ना जाएं, ओके, अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। ये सारा काम आप कॉपी में करना है, कॉपी लगाओ, उसमें बैठ के अच्छे से करो, और उसकी फ़ोटो उतार कर वापस मेरे पास भेजो, ओके, थैंक यू।